हैदराबाद नारकोटिक्स एनफोर्समेंट विंग की तरफ से ये हमारा प्रेस मीट ये इंटीमेशन देने के लिए है कि एक फॉरेन नेशनल फ्रॉम मोरक्को अश्विली आमीन, इनका वीज़ा एक्सपायर और पासपोर्ट एक्सपायर होने के बाद भी हमारे सिटी में, इस देश में कंटिन्यू कर रहे थे विदाउट प्रॉपर परमिशंस और प्रॉपर परमिट्स, और इलीगल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो रहे थे करके हमारे को इन्फॉर्मेशन है। रिसेंटली भी एक पंजाकोटा पीएस में एक केस, जिसमें हमने एमडीएमए और एक्सटेसी पिल्स और जनरल ड्रग्स सीज किया था, उसमें जो ऑफेंडर था पैलेस्टीनियन नेशनल थे, अल कफरी, तो उनके साथ इनकी दोस्ती है और इलीगल एक्टिविटीज़ में जनरली इन्वॉल्व हो रहे हैं। स्टूडेंट वीज़ा पे आए थे ये इस देश में, उस्मानिया यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया था, लेकिन इस टाइप के गलत लोगों के साथ एसोसिएशन बनने की वजह से पढ़ाई से फोकस हट के ऐसे इलीगल एक्टिविटीज़ की तरफ चले गए। तो अब इसको आज हम पूरा प्रॉपर प्रोसीजर के हिसाब से, इमिग्रेशन के लॉज के हिसाब से, इनको आज डिपोर्टेशन कर रहे हैं बैक टू उनके नेटिव कंट्री जो है मोरक्को। और हमारा अपील है टू ऑल दी पब्लिक एंड जनरली टू जितने भी ओनर्स हैं, फ्लैट ओनर्स हैं, कि कोई भी अपना प्रेमिसेस रेंट आउट करने से पहले एक बार चेक करें, स्पेशली फॉरेन नेशनल को दे रहे हों या जनरली किसी और इंडियन को भी दे रहे हों, तो उनका पूरा प्रॉपर बैकग्राउंड चेक होना चाहिए, उनका प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए कि वो किस टाइप की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो रहे हैं और वो प्रेमिसेस को किस तरीके से यूज़ कर रहे हैं। और हमारे को ये भी इंफॉर्मेशन है कि हैदराबाद सिटी में कई ऐसे पॉकेट्स हैं जहाँ पे कई सारे इस टाइप के ड्रग अब्यूज़ रिलेटेड ड्रग सप्लाई और डिमांड का बहुत चल रहा है। सो हम उन स्पेसिफिक एरियाज़ को हमारे फोकस में है, और हम बहुत जल्दी, ऑलरेडी हमने कई सारे केसेस किए हैं और आगे भी हम ये वाले केसेस करेंगे, ताकि ऐसे ये ड्रग सप्लाई और डिमांड का साइकिल जो है हम इसको ब्रेक कर सकें और सिटी को एक ड्रग फ्री एरिया बना सकें। थैंक यू। दोनों